खूबसूरत बनारसी साड़ी, लैविश गुलजरी, खिलता हुआ लाल रंग और आंखों में खूबसूरत काजल एक बंगाली वुमन के लुक को कंप्लीट करता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप एक परफेक्ट बॉन्ग लुक पा सकते हैं। हाय, आई एम हेली और आपका स्वागत है मेकअप बेसिक्स विद मेबेलिन न्यूयॉर्क 2.0। मैंने अपने चेहरे पर बेस ऑलरेडी लगा लिया है और साथ ही आईलिड्स पर फाउंडेशन लगाकर आई शेडो एप्लीकेशन के लिए तैयार कर लिया है। इस लुक के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का द न्यूड्स और रॉक न्यूड्स आई शेडो पैलेट्स। इन दोनों पैलेट्स में 12 शेड्स हैं जिनसे आप बहुत ही एजी और सल्ट्री लुक्स पा सकते हैं। इन पैलेट्स में शिमरी और मैट शेड्स दोनों ही है जिसे आपको अलग अलग लुक्स ट्राई करने का फ्रीडम मिलेगा। मैं फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इस ब्राउनिश शेड को अपनी पूरी आईलिड्स पर इवनली लगाऊंगी जिससे मेरी आंखें बड़ी दिखेंगी। इसके अलावा आप कोई और ब्राउन या अर्दी ऑरेंज शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादातर ये सारे शेड्स इंडियन स्किन टोन्स पर सूट करते हैं। एक बार आप ये आई शेडो अपनी दोनों आईलिड्स पर लगा ले फिर हम अगला शेड लगाएंगे। मैं ये गोल्ड शेड न्यूड्स पैलेट से अपनी आंखों के इनर कॉर्नर से लेके आईलिड के बीच तक लगाऊंगी। हम एक ब्यूटीफुल शेडेड इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम और भी कलर्स ऐड करेंगे। आप इस आई लुक के लिए कॉपर शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब मैं फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए मेबेलिन न्यूयॉर्क द रॉक न्यूड्स पैलेट से ये डार्क पर्पली प्लम आई शेडो यूज कर रही हूँ। ये शेड लेकर क्रीज बनाना शुरू करें आंखों के आउटर कॉर्नर से लिड के मिड पॉइंट तक। छोटे सर्क्यूलर मोशंस में अपने शेड को अच्छे से ब्लेंड करें। आराम से अपना समय लें और कोशिश करें कि पहली बार में ही इसे सही से लगाएं। हम में से कई ये जानते हैं कि ग्रेडियंट क्रिएट करते वक्त हमेशा लाइट कलर को आंखों की इनर कॉर्नर में और डार्क कलर को आउटर एज पर लगाएं। आंखों को ड्रामेटिक बनाने के लिए इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन पे ऐसे लाइट शेड का इस्तेमाल करें। ज्यादा इफेक्ट के लिए आप दूसरे हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पैलेट बहुत ही वर्सटाइल है और मैं हर शेड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आईलाइनर एप्लीकेशन। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आईलाइनर एप्लीकेशन बहुत स्मूथली लगाया जा सकता है डॉट्स एंड डैशेस मेथड से। मैंने बहुत बंगाली वेमेन को इंटेंस काजल लगाते हुए देखा है और इस लुक को ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार ध्यान रखिए कि हम कैट आईलाइनर के बदले एक स्मूथ और सीधी लाइन बनाने वाले हैं। मैं स्क्रीमी लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर से अपनी आईलिड्स पर स्केच करूंगी। आंखों की शेप को फॉलो करें और एक थिन टू थिक बैंड बनाएं। मैंने अपनी आंखों पर एक इवन लाइन बना ली है और उसे दूसरी आंख के साथ मैच करना भी मैनेज कर लिया है। अब मैं ये लोअर लैश लाइन पर रिपीट करूंगी। आंखों की लोअर लैश लाइन पर आई शेडो लगाने में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। थैंकफुली अब समय बदल गया है और हम सभी इस टेक्निक को अप्रिशिएट करने लग गए हैं। अपनी आंखों के नीचे एक सॉफ्ट डेफिनेशन देने के लिए मैं एक बार फिर वही कलर इस्तेमाल करूंगी जो मैंने अपनी आंखों के आउटर कॉर्नर में किया था। बहुत ही ध्यान से और प्रिसाइसली इसको लगाए, हम नहीं चाहते कि आप जल्दी में इसको खराब कर ले। और हो गया आपका सटल और ड्रामेटिक लुक तैयार। इस इंटेंस लुक को कंप्लीट करने के लिए बस एक ही चीज बाकी रह गई है और वो है मस्कारा। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग लैशेस को कर्ल नहीं करते और अपना पूरा भरोसा मस्कारा वॉन्ड पर डाल देते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मस्कारा आपके लुक में बहुत डिफरेंस ला सकता है। जब आप अपनी लैशेस को कर्ल करते हैं तो आपके मस्कारा को सही बेस मिल जाता है जिसकी वजह से आपके लैशेस और सुंदर दिखते हैं। अब जब मेरी लैशेस कर्ल हो गई है तो मैं इस मैजिकल वॉन्ड की हेल्प लेकर रूट से स्टार्ट करते हुए ऊपर और बाहर की तरफ पुल करूंगी। और हाँ, अपनी लोअर लैशेस पर मस्कारा लगाना ना भूले। अब वक्त आ गया है लैशेस को फ्लटर करके सबको स्टन करना। आई मेकअप होने के बाद फाइनल टचेस ऐड करने के लिए अब बढ़ते हैं चीक्स और लिप्स पर। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों से अटेंशन कहीं और जाए, इसलिए मैं बाकी मेकअप को सॉफ्ट और म्यूटेड रखूंगी। अपने चेहरे को डिफाइंड लुक देने के लिए मास्टर कॉन्टोर फेस स्टूडियो मीडियम टू डीप पैलेट की मदद से अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी।
ध्यान रखिए कि आप अपने चेहरे के सही एरियाज को कॉन्टोर करें, नहीं तो बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ब्लश के लिए भी मैं सेम पैलेट से सटल पिंक टोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि वो मेरी आई शेडो के साथ क्लैश ना हो। बस अपने फ्लफी ब्रश पर थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर उसे अपने चीक्स पर लगाए और अब तैयार है। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी स्पार्कल और ग्लैमर के एक वेडिंग लुक कंप्लीट हो सकता है, तो उसे ऐड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हाइलाइटर्स। बस चेहरे के उन हाई पॉइंट्स को चुने जो नेचुरली लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और उस पर थोड़ा सा हाइलाइटर पैट करके अपना लुक एनहेंस करें। अब टाइम है इस लुक को कंप्लीट करने का एक खूबसूरत लिपस्टिक के साथ। मैं मेबली न्यूयॉर्क सुपरस्टे लिक्विड लिपस्टिक पोएट शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा लिक्विड लिपस्टिक के सूखने का इंतजार करें। स्मैक करने से आपकी लिपस्टिक हट जाएगी। एंड दैट्स इट, सॉफ्ट सटल और ड्रामेटिक मेकअप लुक जो आंखों की खूबसूरती को बढ़ाएगा, और हो गया आपका बंगाली लुक तैयार। इस प्रिटी पर्पली प्लम ग्लिट्सी गोल्ड लुक को आप पेस्टल कलर्स जैसे येलोज, ग्रीन्स, पिंक्स या पर्पल्स के साथ टीम कर सकते हैं। पेल पेस्टल कलर आपके डे लुक के लिए परफेक्ट रहेगा, और इवनिंग फंक्शन के लिए आप मोनोक्रोम शेड्स यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा तरीका वेडिंग सीजन के लिए एक परफेक्ट बंगाली ब्यूटी लुक पाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे अगले वीडियो इस सीरीज मेकअप बेसिक्स विद मेबली न्यूयॉर्क 2.0 के लिए ट्यून इन करना ना भूले। मैं हूँ हेली और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।